आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दूसरे दिन प्रवास के दौरान निर्धारित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कार्यक्रम में शामिल होते हुए बकी खाना प्रांगण में निर्धारित कार्यक्रम में पहुंचे। उसके बाद पुनर्गणतीकरण योजना के तहत 7,930 वर्ग मीटर भूमि पर 57 करोड़ के विकास कार्यो को भी देखा। 5 सितम्बर को मध्य प्रदेश शासन के गृह जेल एवं संसदीय मंत्री ने अधिकारियों के साथ किला चौक स्थित गृह विभाग बकी खाना की 7,930 वर्ग मीटर की 57 करोड़ की लागत से प्रस्तावित शासकीय निर्माण कार्यों के संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं आम जन से चर्चा का सुझाव मांगे। बकी खाने में कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री के साथ मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल कमिश्नर भरत यादव, कलेक्टर संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक अमर सिंह राठौर, मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के अपर आयुक्त शैलेन्द्र वर्मा, उपायुक्त एस के सुमन, कार्यप्रणी एलएल मालिक, सहायक हेमंत कुमार कोरैया साथ रहे। गृह मंत्री ने कहा कि योजना के तहत प्रस्तावित निर्माण कार्य किया जाएगा, थोड़ा कुछ भी नहीं जाएगा। निर्माण कार्य में 40 NGO, 40 DAD पुल की आवासों का निर्माण किया जाएगा। योजना के तहत पुलिस चौकी, नवीन SDOP कार्यालय, DSP अजाक्स कार्यालय, DSP महिला प्रकोष्ठ कार्यालय, रक्षक कार्यालय आदि के निर्माण कार्य किए जाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी अधिकारियों के साथ जल्द चलकर निरीक्षण किया और क्या कुछ कहा, देखिए तथ्य से हमारी समझ आता है। दो फेस बनाए नई शेप में आने और ये पूरे बाजार इस पे बाकी चीज आ जाएगी। ये चौकी हट जाएगी जो आएगी किनारे पे आएगी। कैसे इसको ये गली है, ये गली है, ऐसी गलियां आएगी और छोटी छोटी गलियां पैदल के लिए खोल दी जाएंगी और पैदल उससे आ सकेंगे लोग। मूल वाहन को इसको वही है चौड़ा करके अपन एक अच्छा लुक दे सके, अच्छी वोट दे सके। अब आपके मन में मेरी बात सुनने के बाद कई विचार उद्भूत होंगे कि ऐसा कर लो तो ऐसा होगा। अभी वो आते हैं, उसके पहले दो चार लोग प्रमुख रखिए जो आपके सामने रखिए। जहां तक डॉक्टर साहब ने अस्पताल का कहा है वो अभी इसमें हमने रखा हुआ है। अभी अधिकारी आएंगे तो और उनको एक बार मौका दिखा देंगे, फिर इस पर सर्वेयर नियुक्त होगा और फिर उसके बाद में टेंडर फ्लोट होंगे। उस नक्शे के बाद कोशिश करेंगे कि नक्शा आ जाएगा, फिर एक बार लाने की कोशिश करें। पर आज से प्रथम चरण की शुरुआत है, एक हाथ सीढ़ी चढ़ जाए ये शुरुआत कर रहे हैं। दूसरे कौन ने उठाया कहा।